उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा मथुरा जिले में कराए गए करोड़ों के विकास कार्यों का शिलान्यास लखनऊ में एक साथ किया गया था, जिनकी शिला पट्टिका जब मथुरा के पीडब्ल्यूडी विभाग को विकास कार्यों पर लगाए जाने के लिए सौंपी गई थी, तब से लेकर अब तक सारी पट्टियां वही जमा है। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आज विभाग द्वारा काली स्याही पोतने की खबर सपा नेताओं को लगी तो सपा नेता आक्रोशित हो उठे और सपा नेताओं ने इसका विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और विरोध प्रदर्शन करते हुए पीडब्ल्यूडी कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। वहीं कार्यालय में घंटों धरना देते हुए योगी सरकार और पीडब्ल्यूडी के एक्सी सुदर्शन कांत वर्मा के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद सपा नेताओं ने पत्तियों पर काला पोतने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई और मांग की उनको गिरफ्तार करने की। और इतना ही नहीं, कवरेज कर रही मीडिया कर्मियों के साथ भी वहां के लोगों ने अभद्रता की, जिससे गुस्साए पत्रकारों ने भी काफी हंगामा शुरू कर दिया। वही घटना की जानकारी होने के बाद थाना सदर बाजार पुलिस और सिटी मजिस्ट्रेट भी मौके पर आ गए, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। देखो, भारतीय जनता पार्टी का विकास एजेंडा नहीं है, वो आपने देखा होगा। शिलान्यास का शिलान्यास और उद्घाटन उद्घाट करने में माननीय योगी जी व्यस्त हैं, पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। वो पूरे प्रदेश में जा जा करके जो अखिलेश यादव जी की योजना और कार्य हैं उन्हीं की सलाह पटका हटा करके अपनी सलाह पटका लगा रहे हैं, क्योंकि विकास इनके बिल्कुल बस की बात नहीं है। रही बात मथुरा की, रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित अम्बेडकर पार्क में राज्य कर्मचारियों ने सरकार की नई पेंशन नीति का विरोध करते हुए विशाल धरना प्रदर्शन किया, जिसमें राज्य कर्मचारियों के लगभग 19 संगठनों ने एकत्रित होकर प्रदेश सरकार की पेंशन नीति को बदलकर पुरानी पेंशन बहाली की मांग की, जिसमें 1 अप्रैल 2005 के बाद शासकीय सेवाओं में आए राज्य कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना के तहत ही सेवारत करने की मांग की गई। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता करते हुए कर्मचारी शिक्षक अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के जिला अध्यक्ष प्रेम सिंह चौहान ने पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो धरना निरंतर जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष ने सरकार को आरोपित करते हुए कहा कि हमारे पैसे को शेयर बाजार में लगाया जा रहा है और शेयर बाजार एक जुआ है। सरकार को चाहिए कि वह अपना पैसा जुए में लगाए और हमें पुरानी पेंशन योजना का ही लाभ दिया जाए। इस धरना प्रदर्शन में संयुक्त राज्य सरकारी संघ निरीक्षक वर्ग, प्राथमिक शिक्षा संघ, जूनियर शिक्षा संघ, इस तरह से लगभग 19 संगठनों ने इस धरना प्रदर्शन में भागीदारी की। वहीं यह मांग पूरी ना होने पर कार्य बहिष्कार की बात भी कही। शिवरात्रि के पावन अवसर पर सुबह होने से पहले ही शिवालयों पर शिव भक्त कांवड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मेरठ के प्रख्यात ओंगरनाथ मंदिर पर भी शिव भक्तों का कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां बोल बम के उद्घोष के साथ शिव्यामी माहौल शिव भक्तों ने अपने आराध्य भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। कोसों मील की दूरी तय करने के बाद शिवालयों में कांवरिये वही भगवान आशुतोष जलाभिषेक करने के लिए जोश से भरे हुए नजर आ रहे हैं। उनकी कोसों मील की थकान अब भगवान भोलेनाथ दरबार में पहुंच गायब नजर आ रही है। वृंदावन थाना कोतवाली क्षेत्र के समीप पर्वती ग्राम धरोरा में पत्नी के गैर युवक से अवैध संबंध से परेशान एक युवक द्वारा आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने आत्महत्या प्रकाश कर रहे युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार समीप पर्वत गांव धुरारे में बुधवार की रात उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब गांव का ही रहने वाला जितेंद्र ग्रह कलेश के चलते आत्मदाह करने का प्रयास करने लगा। कहां रहते हो? गांव धुरारा। क्यों आत्महत्या करने जा रहे थे? क्या हुआ? मेरी घरवाली मुझको एक तो धमकी देती है कि मैं आपको झूठे केस में दहेज के मुकदमे में फंसा दूंगी, और उसी के गांव में एक राजू नाम का लड़का है, वो खुद ही कबूल करती है कि मेरे इससे नाजायज संबंध है और बोलती है कि मैं इससे खुद फोन करूंगी, अगर आप रोकोगे तो मैं आपको दहेज के केस में फंसा दूंगी।